देखिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अब बताना पड़ेगा आपको, अब पता ही कोई चैप्टर पढ़ते हैं। अब है ना हम लोग सब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे ये वाला बोहर एटॉमिक मॉडल, पढ़े या स्कूल में पढ़ना था, बोहर का परमाणु का सिद्धांत, साइंटिस्ट। हाँ बोहर क्या है, एक तरह का साइंटिस्ट है। आप बोल सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल गिवन बाय देने वाले मामू का नाम है नील्स बोहर। नील्स बोहर कब दिए थे, 1913 सेंचुरी में, अरे 1913 ईस्वी में दिए थे बोहर एटॉमिक मॉडल। सर आपको पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उसके बहुत साल कुछ साल पहले दिए थे बोहर एटॉमिक मॉडल। फिर पॉइंट नंबर 2, दिस थ्योरी, अरे दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, अब बताइए बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले दो थ्योरी पढ़े थे, कौन कौन सा थ्योरी था? अरे बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले दो थ्योरी हम लोग पढ़े थे, अरे अभी क्लास में बोल रहे आइंस्टीन ऑफ एनर्जी तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ही था। हाँ। तो क्या, अरे दो थ्योरी तो पढ़े हैं यार, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वही तो सर को बोली तो थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब देखिए क्या बोलता है, बोलते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, सो कहां से आया है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोनों थ्योरी को मिला दिया गया, तो जो तो तीसरा थ्योरी आपका आया है वो आपका बोहर एटॉमिक मॉडल आया है। समझ पा रहे बात, बोहर एटॉमिक मॉडल कहां से आया, आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जितना आप थ्योरी पढ़े है ना, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में याद है आपको, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम बोलते थे कि एक रेडियो एक्टिव मेटल था, वहां से हम क्या कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल को भेज रहे थे, कहाँ पे, गोल्ड फॉइल में, और गोल्ड फॉइल में भेज रहे थे तो देख रहे थे कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल है, सो पास हो जाता था गोल्ड फॉइल। हाँ। तो हम बोलते थे कि अरे यार बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पास हो गया गोल्ड फॉइल से, मतलब एटम में मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी है, मतलब खाली। फिर देखिए फिर से अल्फा पार्टिकल भेज, तो देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल गया थोड़ा सा मुड़ा, तो हम बोले कि लगता है कि जो जो हमारा गोल्ड फॉइल है जो बीच में है भाग, वो कहीं ना कहीं चार्ज है, उसके पास कहीं ना कहीं चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग बोलते थे अल्फा पार्टिकल के पास भी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज होने की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता था। फिर देखे कि एक और अल्फा पार्टिकल गया 20,000 में से एक ठो भेजे अल्फा पार्टिकल को, देखे तो गया घूम के आ गया, तो उसको पूछे कि क्या हुआ, तो बोलता है कि भाई हम तो गए थे सोचे थे कि गोल्ड फॉइल को फाड़ते चीरते पार हो जाएंगे, लेकिन पता चला कि वहां पर यार पॉजिटिव चार्ज था, वो डेंजर था, वो हम जैसे गए धकल दिया अम्मी को, तो मीटर आ गए, समझे। हाँ तो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट करता था, 180 डिग्री एंगल से, कितने एंगल से, 180 डिग्री एंगल से। फिर एक आता प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलते थे, एक सनलाइट था, मतलब सूर्य देवता थे, सूर्य देवता अपना लाइट भेज रहे, कहाँ पे भेज रहे थे, ब्लैक बॉडी के पास, तो ब्लैक बॉडी क्या किया कि बोलता रही यार भगवान आज लाइट दे रहा है ना, उसको हम जाने नहीं देंगे अपने से, और उसको अपने से जाने नहीं देंगे, मतलब ट्रांसमिटेड होने नहीं देंगे और रिफ्लेक्ट भी होने नहीं देंगे, तो बोलता बोले क्या करोगे, तो बोलते ब्लैक बॉडी रेडिएशन 100% एब्जॉर्ब करेंगे, तो 100% ब्लैक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, फिर वहां से एनर्जी इमिट किया, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में इमिट कर रहा था, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में, जो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा था, उसी रिलेटेड एनर्जी को क्या बोलते थे, क्वांटम, क्या बोलते थे, क्वांटम। तो समझ में आया, आप दोनों थ्योरी को मिक्स करने जा रहे हैं, जो जितना बात बोले वो दोनों थ्योरी मिक्स होकर यहाँ पे आएगा बोहर एटॉमिक मॉडल। तब मन में ख्याल आया पॉइंट नंबर 3, बोलते हैं कि सर आखिर बोहर एटॉमिक मॉडल लाने के पीछे वजह क्या था, तो बोलते हैं ना कि टू रिमूव द ड्रॉबैक्स
ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपको पता है ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? नहीं फिर से नहीं लाया। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमी, इसी को बोलते हैं आप लोग डिमेरी, हाँ इसी को बोलते हैं हिंदी में खामियां। अरे इसे बोले बैक मतलब ड्रॉ मतलब पीछे छापने से थोड़ी होता है। क्या बोलता है बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको बोलते हैं ना कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की खामियों को दूर करने के लिए जो मॉडल दिया गया था वो मॉडल था बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम पूछे किस तरह की बोर्स एटॉमिक मॉडल जरूरत क्या पड़ गया, तो वो बोला कि रदर एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ वहां से क्या पता चला था हम लोग को, न्यूक्लियस के बारे में चला था पता, वहां सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जान पा रहे थे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते यार सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में ही तो बताया, तब पूछे और क्या बताना चाहते थे, तो बोलते कि यार सेल ऑर्बिट ये सब कुछ बताएंगे नहीं की, तो इसलिए कहते कुछ तो गड़बड़ उनके थ्योरी में, तो उनके थ्योरी को सुधारने के लिए एक और थ्योरी आपका आ गया बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिस थ्योरी में भी बहुत डिमेरिट है, फिर इसको सुधारने के लिए एक और थ्योरी आएगा। अभी तो आप बताइए बोर्स एटॉमिक मॉडल कौन दिए थे? कब दिए थे? 1914 में, 1913 में। वह थ्योरी किस पर आधारित था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों लाया गया था, किसके डिमेरिट को हटाने के लिए? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थ्योरी में डिमेरिट दिख रहा था ना, उस डिमेरिट को हटाने के लिए आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल लाया गया था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अरे चुप रहो ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना सो एप्लीकेबल है, तब पूछे यार क्या चीज एप्लीकेबल है, तब बोलते हैं कि लागू है, बोले किस पर, तो बोलते हैं ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। अब बताइए स्पीसीज का मतलब क्या होता है? परमाणु नहीं होता है, स्पीसीज का मतलब होता है जाति, ठीक है जातियां, और स्पीसीज का मतलब होता है एटम मॉलिक्यूल या आयन, खाली परमाणु नहीं होता, परमाणु अणु और आयन होता है, एटम मॉलिक्यूल और आयन होता है। अब देखिए बोलते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना वो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज पर डिपेंड करता है, और बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल कि अगर किसी के पास मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा ना, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर स्पीसीज होगा ना, तो वहां पर बोर्स एटॉमिक मॉडल आप एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बहुत खास पॉइंट बता रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो एक ऐसा एटम मॉलिक्यूल और आयन जिसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन हो वह आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहलाता है, वो खासम खास स्पीसीज जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो वह आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहलाता है। अब बताइएगा आपको कि कौन सिंगल इलेक्ट्रॉन है या कौन मल्टी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक ले रहे हैं हम हाइड्रोजन का एटम, ओके, और एक ले रहे हैं हम हाइड्रोजन प्लस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस भी ले सकते हैं, पता है आपको ना कि हाइड्रोजन मेटल भी और नॉन मेटल भी है, दोनों गुण शो करता है, और अक्सर हम ट्वेल्थ में जाइएगा ना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पढ़ाएंगे ना आपको, तो हम हमेशा बोलेंगे कि हाइड्रोजन मेटल ही होता है, वो हम मेटल ही समझ जाते हैं, उसको मेटल नहीं मानेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए मामला, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो जेड कितना होगा? अब बताइए ये न्यूट्रल एटम है कि चार्ज एटम? तो जेड बराबर पी, और पी बराबर क्या होगा? ई, और ये आपका न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम, तो जेड बराबर पी, और पी बराबर नहीं हो गई, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, और प्रोटॉन का नंबर 1,
और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया वन। अरे इधर ध्यान दीजिए ना आप लोग, कौन भी पढ़ाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना हो गया वन, प्रोटॉन का नंबर वन और इलेक्ट्रॉन का नंबर एक होगा नहीं होगा तो क्या होगा। एटॉमिक नंबर एक है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो गया दो। अब बताइए यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन हो गया दो थोड़ी हो गया वन हो गया ना। एक इलेक्ट्रॉन कौन रह गया हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन सा स्पीसीज हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या यहाँ बोल सकते हैं तो बोलते हैं ना बोर एटॉमिक मॉडल किस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर एप्लीकेबल है तो बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है कि हाइड्राइड आयन पर। अरे आपने दिल्ली भैया दे जाइएगा तो क्या हम बोल रहे हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल है कि हाइड्राइड आयन पर। हाइड्रोजन आयन पर और हाइड्राइड आयन पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है सिंगल नहीं है। हाइड्राइड आयन के पास कैसा इलेक्ट्रॉन है मल्टी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बस दो दो बता रहे एक आपका बेरिलियम है आपका बी टू प्लस है ये आपका बेरिलियम और यहाँ पर क्या है बेरिलियम आयन यहाँ पर क्या है बेरिलियम आयन। ये अरे अपना के रास्ते न्यूट्रल एटम है तो जेड बराबर हो गया पी और पी बराबर आपका क्या हो गया ई और ये आपका चार्ज एटम है तो जेड बराबर आपका पी होता था पी बराबर आपका ई नहीं होता था तो एटॉमिक नंबर कितना होगा। हाँ तो फोर हो गया प्रोटॉन फोर और इलेक्ट्रॉन अरे फोर ही होगा वन कहाँ से होगा और यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होगा चार और यहाँ पर चार और यहाँ पर चार नहीं होगा कते होगा चार में से दो गया कितना बचा दो यहाँ पर क्या हो गया दो। तब बताइए बेरिलियम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिंगल अरे सिंगल इलेक्ट्रॉन चार वो इलेक्ट्रॉन है मल्टी अरे हम जाल बिछाए सुने एक बार स्टोरी कि बूढ़ा का बच्चा तब बोलता था कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं लेकिन पकड़ फंस गया वहीं जाके। आप बताइए बेरिलियम टू प्लस आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो क्या है यहाँ दोनों में से एक के पास बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है क्या नहीं है ध्यान रखिएगा समझे बहुत खास क्वेश्चन तो इस तरह तो कोई नहीं रहेगा सर। वही करें इनकम की भाई हमको वो कपड़ा का देते तो कपड़ों को दे देते भाई तेरे से देख देख कर पूरा देखिए यहाँ पे एक आपका था सोडियम अब एक है आपका सोडियम 10 प्लस। अब बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो जेड बराबर क्या होगा पी और पी बराबर ई काहे होगा चार्ज नहीं है इसलिए चार्ज नहीं है अरे न्यूट्रल है इसलिए होगा समझे काहे नहीं होगा पता सीखिए अब सीख नहीं पाए तो। अब एटॉमिक नंबर कितना है आपका 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 और ये आपका चार्ज बढ़ी है तो जेड बराबर पी और पी बराबर नॉटी तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होगा तो कितना होगा होगा एक इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है एक होगा यहाँ पर 11 में से 10 गया कितना बचा एक। अब बताइए Na का नाम क्या है सोडियम और Na के ऊपर 10 प्लस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम आयन। तो ये बताए सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 11 और सोडियम 10 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 1। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की मल्टी इलेक्ट्रॉन और सोडियम 10 प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बोर एटॉमिक मॉडल सोडियम पर एप्लीकेबल है नहीं नहीं है।
क्या गॉड सेवर फॉर्म 10 प्लस पर है? यस सर। तो गॉड सेटिंग मॉडल सी कोड से किस पर एप्लीकेबल है? सिंगल नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पर। हम लोग तो इतना पढ़ने से क्या निकला कंक्लूजन कि गॉड सेटिंग मॉडल सी कोड से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पर एप्लीकेबल है। कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो गॉड सेटिंग मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। गड़बड़ाइएगा नहीं तो आपको गॉड सेटिंग मॉडल का तीन ही चार पॉइंट खत्म हुआ है। अब बहुत सारे मॉडल आधार पर ऑटो मॉडल पे क्या ड्रॉबैक खोजा वो पढ़ेंगे आप, कब पढ़ेंगे?